नमस्कार, मैं नाज़िम खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद के जरिए महायुक्ति सरकार का खेल बिगड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के दौरान नजर आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटें खाली हैं और 11 सीटें जो खाली हैं उस पर कैंडिडेट उतारे गए हैं 12। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ हेराफेरी हो सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को बचाने की कवायद में लगी है। दरअसल आपको बता दें कि 12 जुलाई को विधान परिषद का महाराष्ट्र में चुनाव होना है। जिन 11 सीटें खाली हैं उन 11 सीटों में से 12 कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के जरिए हैं और 2 यहां पर अजीत पवार गुट के हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उनकी कुल मिलाकर सहयोगी दलों को मिलाकर बात की जाए तो 3 कैंडिडेट यहां पर उतारे गए हैं। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिलकर एक गठन बनता है महायुक्ति का, उनके पास लगभग महाराष्ट्र की 288 विधानसभा में से 200 विधायकों का बहुमत बताया जा रहा है। तो वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 65 का समर्थन यहां पर बताया जा रहा है, यानी कि महाविकास अघाड़ी पीछे है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अपना दायित्व निभाते हुए अब जो महायुक्ति की सरकार है उसमें से विधायकों की हेराफेरी हो सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की वजह से ये तेज हो गई है कवायद कि विधायकों को कैसे बचाया जा सके, विधान परिषद में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को होटल ले जा रही है और वहां पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी एकदम अनिश्चित रूप से देखा जाए तो वो यहाँ पर निडर नजर आ रही है, वहीं उनके सहयोगी दल भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा विधान परिषद का चुनाव क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।